हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शोकिल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में अक्सर मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनसे बचने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें लेके आना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मोर्टीन हो गया, गुड नाइट हो गया, ऑल आउट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से ऑल आउट आती है, गुड नाइट आती है, और ये देखिए मोर्टीन हो गई है। तो इनका यूज करके हम मच्छरों से बचने की सोचते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि इनमें भी मच्छर धीरे धीरे करके इनकी आदत डालना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये अगर आप ऑल आउट लगाओगे या फिर गुड नाइट लगाओगे तो उसका जो सेंस निकलता है, मच्छर उसको सूंघने की आदत धीरे धीरे डाल लेते हैं। इसी तरह से जो मोर्टीन आती है, अगरबत्ती आती है, उसको अगर आप लगा देते हो तो मच्छर भी उसकी धीरे धीरे आदत डाल लेते हैं सूंघने की। यानी कि उनकी ये स्थिति हो जाती है कि वो उनसे भी बिल्कुल भी नहीं मरते, बिल्कुल आदत पड़ जाती है उनकी सूंघने की। ठीक है, फिर ऐसे में हम देखते हैं कि यार मच्छर को सल्टाई दिया जाए, और ऐसे में हम रैकेट लेके आते हैं मार्केट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक रैकेट है, लेकिन इनमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये महीने दो महीने चल के और खराब हो जाते हैं। फिर हम एक और रैकेट लेके आते हैं ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद में फिर हम एक और रैकेट लाते हैं और फिर एक और रैकेट लाते हैं और फिर ये देखिए इस तरह से रैकेट लाते जाते हैं और ये सारे के सारे एक दो महीने चल के खराब हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनको मैं रिपेयर करना तो बिल्कुल इजीली आपको बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 रुपए का इसके अंदर खर्चा आएगा और बिल्कुल आसानी से आप इनको रिपेयर कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक बार रैकेट लेके आओगे और उसके बाद में आपका रैकेट बिल्कुल ही खराब नहीं होगा, जिंदगी भर खराब ही नहीं होगा, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। आपको एक तो बताऊंगा कि रैकेट किस तरह से ठीक होता है 5 से 7 रुपए के अंदर, और दूसरा आपको बताऊंगा कि रैकेट आपका जिंदगी भर खराब ही नहीं होगा, इसके लिए क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रैकेट के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हम मच्छर मार रहे हैं और उसके अंदर जो पावर है यानी जो चार्जिंग है वो खत्म हो जाती है, यानी चल की धीरे से आवाज आती है, जैसे उसको हम चार्ज कर लेते हैं, फुल चार्ज भी कर लेते हैं, ठीक है, पावर के अंदर लगा के, और बैटरी उसकी चार्ज भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मच्छर को मारने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब हल्की सी स्पार्किंग होती है और मच्छर वहां पर नहीं मरता। और दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हम इस तरह से रैकेट को यूज करते रहते हैं और ऑटोमेटिकली रैकेट खुद ही बजता रहता है, मतलब उसके अंदर कोई मच्छर फंसता नहीं है लेकिन वो खुद ही बजता रहता है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको मॉस्किटो रैकेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वो भी आप कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रैकेट है फुल चार्ज है, देख सकते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पर जो इसकी चार्जिंग है वो हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर चार्ज है और ये देखिए बिल्कुल हल्की सी, ना के बराबर है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रैकेट के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये जोर से स्पार्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी सी स्पार्किंग से तो मच्छर मरेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम खोल के देखते हैं और आपको मैं बताता हूं कि इसके अंदर आखिर क्या चीज होता है। तो यहां पर हम इसको खोल लेते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बिल्कुल बाकायदा सीधा सा एक ही चीज बताऊंगा जो कि 90% खराब होता है और बिल्कुल आसानी से वो चेंज भी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सोल्डरिंग आयरन की जरूरत है जो कि यार हर घर में होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर ये है बैटरी, यहाँ से पावर आती है 220 वोल्ट एसी, और ये है इसका कार्ड। इस कार्ड के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 223J या 2KV या फिर 223J या 2000 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसको बिना देखे यहाँ पर हम निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मीटर से चेक भी करोगे इस कैपेसिटर को तो यहाँ पर कोई भी
मीटर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है अगर शॉर्ट होता तो यहाँ पर ये मीटर कंटिन्यूटी शो करता, यानी मीटर के अंदर बीप की आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर ये शॉर्ट होता तब भी खराब होता, और इस कंडीशन में ये एक नए कैपेसिटर के बराबर है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको मीटर से चेक भी करोगे तब भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये खराब है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधा फ्रेंड्स इसको निकालेंगे और फेंक देंगे, दूसरा लगा देंगे इसकी जगह, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैटरी है ना ये तो सिर्फ 10% ही खराब होती है, और जो खराब होने वाली चीज है ये है, जो कि 5 से 7 रुपए के अंदर बिल्कुल आसानी से मार्केट में मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से, जहां पर आईसी रेजिस्टेंस डायोड कैपेसिटर और सोल्डरिंग आयरन वगैरह जैसी चीजें मिलती है वहां पर ये बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और ये जो बैटरी है ये भी आपको 15 से 20 रुपए में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, 4 वोल्ट की ये बैटरी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 100% यही खराब हुआ है, क्योंकि यार इस रैकेट को लाए हुए ही आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, 2 महीने से ज्यादा नहीं हुआ और ये खराब हो गया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसकी बैटरी कहाँ से खराब होगी। ठीक है, तो हम इसका कैपेसिटर ही चेंज करेंगे क्योंकि 100% वही खराब हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 वोल्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर को तो हम एक साइड के अंदर रख देते हैं, और ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मैं परचेज करके लेके आ गया हूँ इस तरह के, जैसा कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से ये बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मेरे 5 रुपए का एक पड़ा है, और अलग अलग एरिया के हिसाब से यहाँ पर इनकी अलग अलग रेंज है। आपके एरिया में हो सकता है 4 रुपए का ही मिल जाए, हो सकता है 7-8 रुपए का मिल जाए। अब यहाँ पर हम इसके अंदर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी के ऊपर या तो 2kV लिखा होता है या 2000 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर ये देखिए इसके लेग मैंने कट कर लिए इसके हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2kV वही 223J। ठीक है, अब हम इसको इसकी जगह लगा देते हैं, और ये हमारा पुराना वाला है, इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप ये काम करो तो यहाँ से स्विच को बंद करके कीजिएगा, या फिर बैटरी का एक तार यहाँ से हटा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्विच को वैसे बंद कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी चीज और बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली बिना मच्छर पसे ही ये चटाचट की आवाज करना स्टार्ट कर देता है, तो उसका कारण ये है कि ये जो जालियाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 लेयर है, बाहर की तरफ 2 बड़ी जालियां और 1 बीच के अंदर पतली जाली। तो ये देखिए, ये जो तार है ये वाला, ये देखिए मैं इसको हटा के आपको बता देता हूँ, ये जो दोनों तार आप देख रहे हैं ये बाहर की दोनों जालियों के हैं, एक इस साइड में लगी हुई है बड़ी जाली और एक इस साइड के अंदर लगी हुई है बड़ी जाली, और यहाँ पर है ये रेड वाला वायर आप देख रहे हैं, वायर का कोई इश्यू नहीं है, अलग अलग रैकेट के अंदर अलग अलग कलर के वायर आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं ये बीच वाली जो जाली है, ये देखिए यहाँ पर बीच में एक जाली लगी हुई है पतली वाली, तो ये उसका वायर है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वायर जो आप देख रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग बताता है, यानी मीटर के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो बीप के साथ में आती है, तो यहाँ पर ऐसे मान के चलिए जो ये नेट है वो आपस में शॉर्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे रैकेट के अंदर दूसरी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा होता है कि नेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर टच है, थोड़े बहुत भी टच होंगे ना हल्के से भी, या तो यहाँ पर या अंदर कॉर्नर में, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए इस तरह से खुल जाता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये आता है, इसके अंदर ये फर्स्ट वाली जाली जो कि बड़ी वाली है, फिर बीच के अंदर एक छोटी जाली, और ये एक फिर बड़ी वाली जाली साइड के अंदर। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अगर ये टच है, कई बार ये देखिए ये यहाँ से टच हो जाती है आपस में, यहाँ से निकल के ये देखिए थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये इस तरह से अगर मुड़ गई, ये देखिए ये है ना,
इस तरह से अगर ये मुड़ गई और इससे टच हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता रहता है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बचता रहता है, स्पार्किंग होती रहती है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये भी इसके अंदर ऐसे मान के चलिए बहुत कम ही आती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम बिल्कुल आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कनेक्शन कर देते हैं वापस से। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लेयर है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसको पैक कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन कर दिया हूँ, ये देखिए इसके अंदर लाइट आ गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। इसको चेक करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर एक बार इसको इस तरह से बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद में ये चार्ज हो जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा रैकेट है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये रैकेट है ये बिल्कुल सही हो गया है। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले पैक कर लेता हूँ और फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा रैकेट है अच्छे से काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रैकेट तो ठीक हो गया, ठीक है, और जो इसकी सारी चीजें है मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं आपको वो चीज बताऊं जिसके कारण आप एक बार मार्केट से रैकेट लेके आओगे और जिंदगी भर आपका रैकेट कभी खराब ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो उसकी बैटरी है जो कि साल भर कम से कम चलती है, लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, वो भी कभी ऐसे मान के चलिए ना के बराबर खराब होती है अगर हम उसको रेगुलर चार्ज करते रहे। अगर मान लीजिए आप ये रैकेट लेके आ गए और आपने इसको 6 महीने से चार्ज ही नहीं किया, ये 3 महीने से कभी चार्ज ही नहीं किया, यानी यूज ही नहीं किया, तो इसकी जो बैटरी है डिस्चार्ज होके खराब हो जाएगी, चाहे आप इसको यूज में ले चाहे नहीं ले। 4-5 दिन से आप इसको चार्ज करते रहे, इसका मतलब यह है कि आपकी ये बैटरी कभी खराब नहीं होगी। अब दूसरी चीज यह है, अगर आप इस तरह से मच्छर मार रहे और मच्छर इसके अंदर फंस जाता है, उस समय एक अलग तरीके की आवाज आएगी, चर चर की आवाज आएगी, यानी मच्छर इसके अंदर फंसा हुआ है और फिर भी आप रैकेट को इस तरीके से दबाए रखे हैं। चर चर की आवाज में क्या होता है, मच्छर का या तो पंख फंसा रहता है या फिर उसकी लेग वगैरह वहां पर फंसी हुई रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये आपका जो रैकेट है वो खराब हो जाएगा। उसका जो कैपेसिटर है, जैसा कि अभी हमने चेंज किया, ये इसीलिए चेंज हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मच्छर फंसा रह जाता है और फिर भी हम उसको दबाए रखते हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अगर आप उस कंडीशन में उसको दबाए रखे नहीं। तो आप क्या करोगे, अब आप सोच रहे हैं फिर हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, तो उसको दबाने से कोई फायदा नहीं है, आप यूं ठरका के इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ वो गिर जाएगा, उसकी जो लेग है जो भी है गिर जाएगी, पंख है जो भी है गिर जाएगा, यूं करके आप उसको निकाल दीजिए। आप वापस से दबाओगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसी चलचलाहट की आवाज नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि आप मॉस्किटो रैकेट को किस तरीके से सिर्फ ₹5 के अंदर रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने रैकेट को
हमेशा जिंदगी भर सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी कोई सलाह या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए और किस चीज के ऊपर रिपेयरिंग के वीडियो लेके आऊं, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स यार, इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।